पहले जिंदगी ऐसी नहीं थी, पर अब सब कुछ बदल गया है। मेरा बेटा एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, मेरी बहू और बच्चे बहुत खुश है, और रितु और मैं आराम की जिंदगी जी रहे हैं। हमें जिंदगी से और क्या चाहिए? थैंक्स टू रेवा जी ऑफ डिवाइन वास्तु। कॉल रेवा कुमार वास्तु स्पेशलिस्ट और विजिट divinevastu.net। रेडियो जिंदगी 1550 AM पे वेलकम लिसनर्स, मैं हूं आपके साथ ईरा। शो लेके आए हैं हीलिंग स्पेसेस विद वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु बाय रेवा कुमार। यस लिसनर्स, इट्स टाइम वंस अगेन व्हेन वी आर जॉइंड बाय रेवा जी फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु। रेवा जी ज्वाइन करती हैं हमें अब से लेके 3 बजे तक। जितनी बार भी रेवा जी हमसे बात करती हैं, उनके हर शो में हम ये जानते हैं, समझते हैं उनसे कि वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु कैसे हमारी मदद करता है लाइफ में, वास्तु को इम्प्लीमेंट करने में, वास्तु की जो रेमेडीज हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, उन्हें कैसे इम्प्लीमेंट करके हम अपनी लाइफ को, क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेटर कर सकते हैं, अपनी पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, हर तरीके से, हर जगह हम वास्तु का प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो लास्ट वीक वी वर टॉकिंग अबाउट हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट वास्तु टेक्निक्स एंड ऑल्सो यू नो यूज इट टू मेक आर ईयर बेटर, 2022 को कैसे हम और अच्छा कर सकते हैं, कैसे फ्रूटफुल कर सकते हैं। आज हम रेवा जी से बात करते हैं कि वास्तु के जो टिप्स होते हैं, जो वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु हमारे लिए लेके आते हैं वास्तु के टिप्स, क्या वो सभी के लिए इम्प्लीमेंट करने लायक होते हैं? अब जिनके पास में छोटा मकान है, छोटा स्पेस है, वो तो सब जगह पॉसिबल नहीं है कि हम लोग अपार्टमेंट्स फॉर एग्जाम्पल स्पेशली कि हम वास्तु के प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट कर सकें। तो किस तरीके से स्मॉल स्पेस ओनर्स, लाइक अ स्मॉल हाउस और एन अपार्टमेंट, हम लोग जो सब हैं, किस तरीके से वास्तु को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? रेवा जी जय माता दी। जय माता दी ईरा, और हमारे रेडियो जिंदगी के सभी लिसनर्स, आपको भी ढेर सारा प्यार भरा नमस्कार। कितनी खुशी हो रही है आपको मुझे सामने बैठ के देख के, आफ्टर लॉन्ग टाइम, वेरी लॉन्ग टाइम, आफ्टर लॉन्ग टाइम। ऑल द लिसनर्स बी जेलस, मैं रेवा जी के प्रेजेंस में इन पर्सन हूँ, इन पर्सन हूँ, और इन पर्सन में ही मैं, इन पर्सन में चाहे जनवरी तो भी चल ही रहा है, इन पर्सन आप सभी लिसनर्स को, सभी को ढेर सारा प्यार सा देती हूँ। विश यू वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2022। जी हाँ, 2022 जिसकी कहते हैं ना कि ऑलरेडी हम 27 डेज तो ले चुके हैं जी। तो बाकी भी जो दिन हैं, ये मैं सोचिए, मैं तो ये कहती हूँ कि हर सुबह जैसे ही होती है वो बहुत अच्छी होती है, रात जब हम सोते हैं तब भी भगवान का शुक्रिया करते हैं कि ये दिन भी बहुत अच्छा है। तो जैसे कि ईरा कह रही है कि खुशी है, उससे भी ज्यादा मेरे को डबल खुशी है ईरा को अपने सामने पाकर और आप सबको सामने देखते हुए विजुलाइज कर रहे हैं कि आप सब बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, सुन रहे हैं, और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और यही उम्मीद रखते हैं कि इसी तरह हम आपके साथ जुड़े रहेंगे, आपका प्यार हमें लेकर आता रहेगा, और हम एक दूसरे के साथ में सब अपनी इन्फॉर्मेशन, नॉलेज, एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। क्योंकि वासुदेव कुटुम्बकम, ये मैं हमेशा कहती हूँ, सारा संसार परिवार है। तो आपकी भी कोई समस्या है, आपकी कोई प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को अगर हम लोग आपस में मिलके एक दूसरे के साथ सलाह मशवरा करते हुए जुड़ेंगे तो उन प्रॉब्लम्स को हम बहुत अच्छी तरह से, बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी के साथ शुरुआत करती हूँ आज की। ईरा ने कहा है कि छोटा घर, बिल्कुल, घर तो ईरा देखिए छोटा हो बड़ा हो उसमें सुकून होना चाहिए, शांति होनी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल, वो बहुत जरूरी है, छोटा घर भी और बड़ा घर भी। बिल्कुल, हमारे कई लिस्टनर्स हैं जिनको ये होता है कि रेवा जी छोटा घर है या अपार्टमेंट है, उसमें क्या वास्तु एग्जिस्ट करता है? लिस्टनर्स, वास्तु हर जगह पे एग्जिस्ट करता है, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, इट एग्जिस्ट। आपके घर की दीवारों में जो दीवारों की वाइब्रेशंस हैं वो आपकी बॉडी के वाइब्रेशंस के साथ जुड़ती है, उसी एनवायरमेंट को वो पॉजिटिव करती है। तो बिल्कुल आपको ये देखना चाहिए कि घर छोटे में भी हम क्या कलर को लेकर आ सकते हैं, प्लांट्स को लेकर आ सकते हैं, डायरेक्शन वाइज कैसे उसे डेकोरेट कर सकते हैं, या कोई है हमारी डेकोरेटिव एक्सेसरीज हैं उनको कैसे हम लेकर आए कि घर की उस नेगेटिविटी को खत्म करें। तो सबसे पहले ईरा हम लेते हैं बेडरूम को। अगर आप बेडरूम लेते हैं तो उसको जरूर देखिए कि आपका बीम के नीचे आपका बेडरूम की पोजिशन, मीन्स कि आपका बेड नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर कहीं पे
बहुत नेगेटिव इफेक्ट देता है अगर हम बीम के नीचे सोते हैं। और साथ ही साथ ये है कि हमारा जो बेडरूम में हमारे जो सोने की पोजीशन है, हमारा हेड जो है वो हमेशा साउथ की तरफ होना चाहिए या वेस्ट की तरफ में, और ईस्ट में बच्चों के लिए भी कर सकते हैं, एक्सेप्ट नॉर्थ। नॉर्थ में कभी भी सर का डायरेक्शन नहीं होना चाहिए, और मिरर को आपने जरूर अवॉइड कीजिए, क्योंकि अगर वाइल्ड स्लीपिंग इफ योर बॉडी रिफ्लेक्ट्स इन मिरर, इट ऑलवेज ऑलवेज गिव यू इश्यूज रिलेटेड विथ योर हेल्थ। अब आता है मेन डोर। मेन डोर के लिए, छोटे घरों का भी मेन डोर के लिए वही प्रिंसिपल्स है जो हम बड़े घरों के लिए देखते हैं। जैसे कि अगर आप सोच लीजिए, सबसे पहले तो आपको अपने जोडियक साइन के मुताबिक में देखना है कि आपका जोडियक साइन और वास्तु कुंडली का चार्ट जो है वो क्या कहता है कि आपकी कौन सी डायरेक्शन फेवरेबल है, उस डायरेक्शन को ही हमने इन्हांस करना है। लेकिन अगर हम अपार्टमेंट्स में रहते हैं जहां पे हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है या कोई चॉइस नहीं है, तो वहां पे भी डायरेक्शंस की तरफ आप देख के आप उन्हें रेक्टिफाई कर सकते हैं, जिसको बहुत ही इजी मेथड्स होते हैं। क्योंकि जहां से हमारे को फ्रंट डोर से हमारे जहां से एनर्जी ट्रेवल करनी है वो देखना बहुत जरूरी है। मानती हूं कि मैं हमेशा कहती हूं कि वास्तु में साउथ वेस्ट की डायरेक्शन की तरफ फेसिंग नहीं होना चाहिए, लेकिन उसमें जहां पर हम अपार्टमेंट्स में रहते हैं तो हम उसकी जो कॉमन एंट्रेंस है उसको जरूर काउंट करेंगे, उसके साथ में इंडिविजुअली जो आपके अपार्टमेंट की है उसको भी काउंट करेंगे। साथ ही साथ कई बार ऐसा भी होता है कि स्टेयर्स आ रही हैं, आपकी स्टेयर्स की क्या डायरेक्शन है किसी भी अपार्टमेंट के अंदर जाने के लिए, उसको काउंट कर सकते हैं। तो आपको उसको कैसे इन्हेंस करना है वो मैं आपको उसी समय बता सकती हूँ जब मेरे पास में आपका डेट ऑफ बर्थ होता है, उसको वास्तु कुंडली चार्ट से एनालाइज करके। पेंटिंग्स, आपको छोटे घरों में पेंटिंग से आपको बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, लेकिन उस पेंटिंग में आपको ये देखना है कि ऐसा नहीं है कि कहीं देखे आप पूरा छोटा घर और चारों तरफ में आपने पेंटिंग्स ये लगा दी है, जी नहीं। आपको जो मेन चार डायरेक्शंस हैं, जैसे कि हमारी ईस्ट की वॉल है, ईस्ट की वॉल पे अगर आप देखते हैं कि हमारे पास विंडो नहीं है, सनलाइट की एनर्जी नहीं आ रही, तो आप ईस्ट की वॉल को कहीं पे भी सन से रिलेटेड पेंटिंग के साथ में इन्हांस कर सकते हैं। नॉर्थ की अगर आपको विंडो मिलती है तो बहुत अच्छा है। अगर नॉर्थ वॉल हमारी ब्लॉक है, अगर नॉर्थ वॉल हमारी ब्लॉक है, वहां से जहां से हमारे को अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, नॉर्थ हमारा विजन क्लियर करता है, तो वहां पर आप वाटर से रिलेटेड पेंटिंग लगा सकते हैं। साउथ डायरेक्शन जो आपके फेम नेम से रिलेटेड है, अगर साउथ हमारी ब्लॉक है, हैवी है, तो दैट्स वेरी गुड। लेकिन साउथ की वॉल को भी आप नेकेड नहीं रखिए, वहां पर भी अगर आप कोई रेड रोजेस की पेंटिंग, रेड फ्लावर से जुड़ी या कोई माउंटेन्स की पेंटिंग लगाते हैं तो वो हेल्प कर, लाल एनहांस करने के लिए, क्योंकि वो आपको फेम और नेम देता है। और मार्स का रिलेटेड वो जगह है, और वेस्ट की तरफ अगर आप जाते हैं तो वहां आप कोई हाई बिल्डिंग्स की पिक्चर लगाइए। लेकिन जब आप पेंटिंग लगाते हैं तो ये जरूर लिसनर्स ध्यान रखिए कि आपके बेडरूम में वाटर से रिलेटेड पेंटिंग नहीं होनी चाहिए, और साथ ही साथ में आपका जो साउथ है और वेस्ट है वहां पे वाटर से रिलेटेड पेंटिंग नहीं होनी चाहिए। लेकिन लड़ाई झगड़े की, रोते हुए, ड्रावनी, इन सब पिक्चर्स को आप जरूर पेंटिंग्स को अवॉइड कीजिए, चाहे वो छोटा घर हो चाहे बड़ा, वहां पर आप ऐसी पेंटिंग्स बिल्कुल मत लगाइए जी। लेकिन पेंटिंग्स के साथ में अगर आप कोई स्टैचूज भी रखते हैं तो आप रख सकते हैं, या आप वासिस भी रख सकते हैं, लेकिन कोई भी खाली प्लांटर नहीं रखें। अगर प्लांट है या वासिस है, कुछ भी रखें, देयर शुड बी समथिंग। छोटे घरों में अगर कहीं पे हमारे को वर्शिप की, पूजा करने की, प्रेयर रूम की भी जरूरत होती है कि हम लोग करना चाहते हैं, जैसे कि वास्तु के मुताबिक हमीरा जी कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में बैठे हैं, आप उस कॉर्नर में पूजा कीजिए। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि वो पॉसिबल नहीं है, हमारे पास पूजा करने के लिए जगह की, रूम छोटा है, घर छोटा है, नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आप नॉनवेज नहीं खाते तो आप किचन का नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ले सकते हैं। आप सोचते हैं कि लिविंग रूम का है, लिविंग रूम का नॉर्थ ईस्ट ले सकते हैं। आप सिर्फ जो मास्टर बेडरूम है उस कमरे में आप पूजा की जगह नहीं बना सकते हैं। अगर आप बच्चों का रूम है, या आप छोटी सी लॉफ्ट है, या आपका स्टडी रूम है, आप वहां पर भी नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में अपनी पूजा की जगह बनाएं, ताकि आप जब भी पूजा करें नॉर्थ की तरफ फेस करें या ईस्ट की तरफ करें। नेक्स्ट है कि चाहे छोटे घर भी है, वहां पर भी हमारे को पैसे की जरूरत है, प्रॉस्पेरिटी की जरूरत है, इज्जत मान की जरूरत है, तो वहां के लिए आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि हमारे को कहां ज्यादा से ज्यादा हम इस एनर्जी को ले सकते हैं। और उसके लिए जैसे अभी मैंने बताया कि बेडरूम में आपको नहीं रखना,
लेकिन आप अपने लिविंग रूम से ये एनर्जी ले सकते हैं। लिविंग रूम में आपको क्या करना है, जहां आपके लिविंग रूम का साउथ ईस्ट कॉर्नर आता है, जो आपके फाइनेंसिस के साथ जुड़ा हुआ है, जो आपके पैसे के साथ जुड़ा है, वहां पर अगर आप छोटा सा भी वही साउथ ईस्ट कॉर्नर में रेड कलर का लैंप लगा देते हैं तो वो आपको बहुत ही हेल्प करेगा। नेक्स्ट, हमेशा छोटे घरों में बहुत ही ज्यादा आप कर देते हैं मैस, अगर वहां पे बहुत ज्यादा क्लटर हो, क्योंकि क्लटर आपकी पॉजिटिव एनर्जी की फ्लो को रोकता है। तो पर्टिकुलर आपको क्या देखना है कि आपकी चाहे वो कैबिनेट्स हैं या आप टेबल्स हैं, कहीं पे भी हैं, वो सही जगह उसके उसमें जो सामान रखा है वो सही हो। ऐसा नहीं है कि आप सामने से तो हटाने के लिए उठाएं और उन कैबिनेट्स में उन ड्रॉर्स में उठा के सारा सामान डंप कर दें। प्लीज ऐसा बिल्कुल नहीं करिए, क्योंकि आपकी कैबिनेट्स के अंदर भी वो एनर्जी है और वो ज्यादा नेगेटिविटी देगी, ज्यादा प्रॉब्लम्स देगी, घर में आर्ग्यूमेंट्स लेकर आएगी, लड़ाई झगड़े लेकर आएगी, अगर आप वहां पर ऐसे ही बेफालतू सामान रखेंगे। आपको प्रॉपर ऑर्गेनाइज करना है, आपको डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर ऑर्गेनाइज करके रखने हैं, हर चीज को ठीक तरीके से रखिए, खास तौर पर ब्रोकन आइटम्स। अगर आपने बार बार कहीं भी ब्रोकन आइटम्स आपने कैबिनेट्स में रख दी हैं या कहीं छोटे घर में कॉर्नर्स में भी, ये कि सामने विजिबल नहीं है लेकिन पड़ी हुई है, वो आपको घर में प्रॉब्लम लाएगी, सीरियस हेल्थ इश्यूज लाएगी, ब्लड लॉस की प्रॉब्लम लाती है। अब नेक्स्ट है कि किसी भी घर के लिए सबसे ज्यादा जो बहुत जरूरी होता है वॉशरूम का क्लियर होना, क्योंकि अगर आपकी टॉयलेट सीट, जैसे कि मैंने बताया कि अगर छोटे अपार्टमेंट्स में या हम छोटे घरों में हम लोग चेंजेस ज्यादा नहीं लेके आ सकते हैं, लेकिन उनको हम रेक्टिफाई कर सकते हैं। अगर आपकी टॉयलेट सीट नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट या साउथ वेस्ट में होगी तो उसको पॉसिबल नहीं है कि वो हम उसको रिमूव कर सकें। यही आपको वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु की स्पेशलिटी है कि अगर कहीं कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है तो उसको हम बिना तोड़फोड़ के रेक्टिफाई कर सकते हैं। बहुत सिंपल टिप्स हैं, खास तौर पर अगर आपका टॉयलेट सीट का डायरेक्शन गलत है, जैसे कि नॉर्थ में है, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट या साउथ वेस्ट में, तो उससे कलर रिलेटेड मैं जो टेप बताती हूँ आप उसको लगा के भी रेक्टिफाई कर सकते हैं। क्योंकि नॉर्थ में अगर टॉयलेट सीट होती है तो वो आपकी जितनी भी अपॉर्चुनिटीज यहाँ जहां भी आपकी चाहे जॉब से जुड़ी हो चाहे करियर से जुड़ी हो वो सबको ड्रेन कर देती है। अगर ईस्ट में टॉयलेट सीट होगी गलत होगा या वाइल्ड फेसिंग यू आर सिटिंग ऑन द टॉयलेट सीट यू आर फेसिंग टुवर्ड्स ईस्ट, तो वहां पे क्या होगा, आपको सोशल लाइफ से बहुत नेगेटिविटी मिलेगी, लोग आपके खिलाफ बोलेंगे, आपको इज्जत मान नहीं मिलेगा। और अगर हमारा साउथ वेस्ट में टॉयलेट होता है तो वहां पर क्या होता है कि कहीं ना कहीं सीरियस घर में मेल्स को हेल्थ इश्यूज आते हैं। सो दीज थिंग्स वी हैव टू कीप इट इन माइंड कि अगर छोटे घरों में जहां पे हम नहीं चेंजेस रेनोवेट कर सकते, नहीं कर सकते, तो वहां हम छोटी छोटी अच्छी टिप्स लेके भी उन्हें रेक्टिफाई कर सकते हैं। मास्टर बेडरूम की तरफ में आपको जरूर ध्यान रखना है, बिकॉज द बेडरूम इज द मोस्ट इंटीमेट प्लेस फॉर अ कपल, जहां पे हम लोग ज्यादा से ज्यादा कपल्स अपना टाइम बिताते हैं। और वहां पे छोटी जगह पे अगर ऐसा बेडरूम है तो उसको ठीक करने के लिए आप क्रिस्टल विंड चैम्स की भी हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि जहां पर विंडो, अगर साउथ वेस्ट कॉर्नर में विंडो होगी तो वहां पे आपस में आर्ग्यूमेंट्स आते हैं, तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए हम क्रिस्टल्स की, विंड चैम्स की भी हेल्प लेकर इसको ठीक कर सकते हैं। डाइनिंग एरिया, डाइनिंग एरिया इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, चाहे आप छोटे घर में छोटा डाइनिंग एरिया रखें चाहे बड़ा रखें, लेकिन आपको प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ, हेल्थ हमारे को सारे डाइनिंग एरिया से मिलती है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको डाइनिंग एरिया का चाहे नॉर्थ वॉल हो चाहे ईस्ट वॉल हो, वहां पर आप स्क्वेयर या रेक्टेंगुलर मिरर जरूर लगाएं, जिसमें आपके पास में आपका डाइनिंग एरिया खासतौर उसके अंदर रिफ्लेक्ट करें, जिससे आप प्रॉस्पर, यू विल गेट मोर अट्रैक्शन टुवर्ड्स प्रॉस्पेरिटी एंड वेल्थ। अब आ जाता है हमारे मनी ड्रॉर्स, मनी ड्रॉर्स की हम मनी कहां पर रखें, वहां के लिए भी है कि अगर आपका कोई भी क्लोजेट एरिया जहां पर आपको लगता है कि साउथ वेस्ट में है, साउथ वेस्ट के आपको वेस्ट की तरफ में रखना है, बिकॉज दैट जोन इज रिलेटेड विथ योर गेन्स, साउथ वेस्ट के साउथ में मत रखिएगा, वहां पे आपका पैसे का नुकसान होगा, डिस्पोज ऑफ हो जाएगा। आपको साउथ वेस्ट के वेस्ट में अपने मनी एरिया को आपको रखना है, जिसमें आप अपनी वैल्यूएबल्स रख सकते हैं, स्पेशली द थिंग्स विच यू वॉन्ट टू ग्रो मोर एंड मोर, उसको वहां पे आप रखिए। और जब वाइल ओपनिंग द ड्रॉ इट हैज टू ओपन टूवर्ड्स नॉर्थ। फोटो फ्रेम्स, ये एक बहुत ही जरूरी है,
फोटो फ्रेम्स जो आपको कह सकते हैं कि विद अच्छी अच्छी पिक्चर्स के साथ में आपको लगानी है, इट हैज टू बी ऑन द नॉर्थ वॉल। जहां पे अगर जितना भी आप नॉर्थ वॉल के ऊपर में फोटो फ्रेम्स लगाते हैं उतना ही आप फेमस होते हैं, आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। बिकॉज वास्तु ऑलवेज रेकमेंड इंस्टॉलिंग अ रेड फोटो फ्रेम इन द साउथ। साउथ की वॉल पे अगर है तो आप रेड कलर की फ्रेम के साथ में अपनी फोटो लगाइए ताकि आपको और भी पॉजिटिव एनर्जी मिले। नेक्स्ट मैं आपको बताना सकती हूँ कि हम कैसे पॉजिटिव वाइब्स को एलिवेट कर सकते हैं। पॉजिटिव वाइब्स को एलिवेट करने के लिए आपको देखना है कि हमारे को कहाँ से वो एनर्जी जो हमारी डंप हो रही है उसको हम ठीक कर सकें। तो खास करके लिए जो हमारा एनर्जी का एरिया होता है दैट ट्रेवल्स फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट, यहां से हमारे घर की पूरी एनर्जी ट्रेवल करती है। तो आपको वहां पे देखिए कि वहां पॉजिटिव एनर्जी को कहीं हमारी डिप्रेस तो नहीं हो रही, क्योंकि जब हम नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ एनर्जी ट्रेवल करते हैं तो हमारे घर का सेंटर भी आता है। तो वी हैव टू फोकस कि कहीं सेंटर में बाथरूम तो नहीं है, या सेंटर में स्टेयर्स तो नहीं है, या सेंटर में किचन तो नहीं है जो उस पॉजिटिव एनर्जी को डिप्रेस कर रही है। नेक्स्ट आता है एक छोटे से घर में फर्नीचर को अरेंज करना, क्योंकि फर्नीचर अरेंज करना बड़े घर तो होते हैं आप बहुत बहुत स्पेस के साथ में अरेंज कर सकते हैं, आपको इरा जी कोई दिक्कत नहीं जी, जी जी। लेकिन छोटे घरों में हमको जब फर्नीचर अरेंज करना है तो आपको छोटे घर में उसी वेट के हिसाब से फर्नीचर लीजिए। अगर आपका छोटा लिविंग रूम है तो वहां पर अगर आप सोचते हैं कि हैवी फर्नीचर चाहे लेदर के हैं ये है तो वो अच्छे नहीं रहते, उससे क्या होगा कि आपके कॉर्नर्स हैं वो हैवी हो जाते हैं। सो वी हैव टू सी कि अगर हमारा नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट की तरफ हमारा लिविंग रूम है तो वहां आप जितना लाइट फर्नीचर रखेंगे उतना ही आपको फायदा होगा, और अगर हमारा लिविंग रूम साउथ वेस्ट में आता है वहां पर हम हैवी फर्नीचर रखेंगे। बट अगेन इट डिपेंड्स ऑन द प्लेसमेंट्स और साथ में से डायरेक्शंस की किस पे क्या रखना है। बच्चों के लिए बहुत ही जरूरी होता है रूम हर घर के चाहिए, चाहे वो छोटा घर है चाहे बड़ा है। बच्चों के लिए आप उस हिसाब से स्टडी टेबल को अरेंज करिए, लेकिन स्टडी टेबल को अरेंज करिए कि जो छोटी हो लेकिन वो वॉल से थोड़ा उसका स्पेस होनी चाहिए। साथ ही बंक बेड बिल्कुल बच्चों को नहीं दीजिए। मैं मानती हूँ कि आप स्पेस के मुताबिक चाहते हैं कि ऊपर नीचे होगा तो दोनों बच्चे एडजस्ट हो जाएंगे, वो हमारे को ज्यादा प्रॉब्लम देता है। उसके बदले में अगर आप सिंगल छोटे छोटे दो बेड लगा के बीच में स्पेस दे देंगे वो बच्चों के लिए फायदेमंद भी रहेगी। और साथ में वैसे भी स्टडी टेबल के लिए मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करती हूँ कि बच्चों को अपने बेडरूम में पढ़ना चाहिए। लेट देम स्टडी इन वन कॉर्नर, चाहे वो आपका लिविंग रूम का कॉर्नर ले लीजिए चाहे आप अपने लॉफ्ट का कॉर्नर ले लीजिए। यू कैन क्रिएट अ स्पेस, हम उसको बहुत अच्छी तरह उसकी स्पेस बना सकते हैं। इसके साथ में जो लास्ट मैं बताना चाहती हूँ किसी भी छोटे से घर को ऑर्गेनाइज करने के लिए, कि आप ये सोचते हैं कि भी आप अकेले हैं, चलिए आपके पास में एक रूम का अपार्टमेंट है या दो बेडरूम का अपार्टमेंट है, उसको हम कैसे अरेंज करें। दैट कैन बी ऑल्सो अरेंज इन वेरी नाइस वे। आप उस घर को भी बहुत अच्छी तरह अरेंज कर सकते हैं। लिस्टर्स, ये जो आज मैं बता रही हूँ ये मैं खास किसी फरमाइश के ऊपर मैं आज आपसे डील कर रही हूँ कि अगर आपके पास में वन रूम का भी अगर अपार्टमेंट है, आप कह सकते हैं कि स्टूडियो अपार्टमेंट भी है, उसको हम वास्तु से कैसे अरेंज करें। वहां पर आपको उनके कॉर्नर्स को सिर्फ अरेंज करना है। पर्टिकुलर अगर आपको एक रूम का अपार्टमेंट है तो आप उसका साउथ वेस्ट को एलिवेट कर दीजिए, नॉर्थ वेस्ट ईस्ट को लाइट कर दीजिएगा। जितना आप नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट को लाइट करेंगे साउथ वेस्ट की तरफ में आप बेड लगा दीजिए। नॉर्थ में आप मिरर को रख सकते हैं, ईस्ट में आप मिरर को लगा सकते हैं, वहां पर आप राइजिंग सन की पेंटिंग ले सकते हैं ईस्ट को, ताकि हमारे को जो पॉजिटिव वाइब्स उस जगह पे आनी है उनका हम वेलकम कर सकें। और वहीं पे ही आप साउथ को ब्लॉक कर सकते हैं। इवन कि अगर वन रूम का स्टूडियो है, अगर आपका साउथ वेस्ट में है, साउथ की तरफ सर करके सो रहे हैं, तो वहां जो वेस्ट जोन है जिसको मैं बोलती हूँ कि हमारे गेन हमारे प्रॉफिट के लिए, वहां पर आप अपना छोटा सा मनी एरिया बना सकते हैं। और लिविंग रूम नेचुरली है कि आपके पास में होगा, अगर आपका लिविंग रूम है तो उसके आप नॉर्थ की तरफ फेस करके आप अपना काम कर सकते हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप ईस्ट की तरफ फेस करके पढ़ सकते हैं। सो वेरी सिंपल वेज वी आर हैविंग, चाहे वो आपका दो रूम का अपार्टमेंट है, चाहे वन रूम का है, चाहे वो छोटा सा घर है, चाहे वो बड़ा सा घर है। थैंक यू रेवा जी। लिस्टर्स, आखिरी दो मिनट बचे हैं हमारे इस शो में, आज के शो में। अगर आप रेवा जी से कांटेक्ट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, कंसल्ट करना चाहते हैं, तो आप उन्हें फोन कर सकते हैं ऑन 510-868-3338। ये है रेवा जी का डायरेक्ट नंबर 510-868-3338।
रेवा जी का ईमेल एड्रेस है divineavc@gmail.com और आप उन्हें ईमेल कर सकते हैं अपॉइंटमेंट के लिए या फिर आप अपने घर का लेआउट उन्हें भेजना चाहते हैं. एक्चुअली डू दैट. कोई भी क्वेश्चन अगर आप उन्हें भेजते हैं देन इट डेफिनेटली हेल्प्स. अगर आप अपने घर का एक लेआउट रफली ड्रॉन लेआउट विद द डिग्रीज एंड डायरेक्शंस आप उन्हें भेज सके ताकि शी कैन ऑल्सो यू नो गो थ्रू दैट एंड गिव यू अ बेटर एडवाइस अबाउट व्हाट नीड्स टू बी डन. वास्तु के प्रिंसिपल्स को आप कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. तो divineavc@gmail.com इज हर ईमेल एड्रेस और ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है आपको उनकी वेबसाइट पे worldofdivinevastu.com दैट इज worldofdivinevastu.com. इसी के साथ हमारा आज का शो यहीं खत्म होता है. रेवा जी थैंक यू वेरी मच फॉर बींग ऑन द शो. मैं आपसे बात करूंगी अगले हफ्ते. जय माता दी. जय माता दी. ईरा जय माता दी. लिसनर Allow the flow of positive energy to enter into all aspects of your life. Stability into your relationships. Prosperity into your business. And peace into your home. Balance the five elements of nature. Follow the principles of Vastu Shastra. Visit divinevastu.net. Reva Kumar, your Vastu Shastra specialist.